तगड़ा गुस्सा हो गया है। सेक्सी वाली बात लिखिए इस ट्रक पे, सेक्सी वाली बात। रैमलर बाबा का हुआ पछतावा। जी हाँ फादर साहब नु ले जाओ तुसी ना। माँ तो माँ है ना। फिर अभी राइड से आए हो, मेरे को थोड़े दिन हुए। राइड्स होती हैं छोटी। आज होने जा रही है महाराइड, महान हस्ती के साथ। जी हाँ बताता हूँ, आज मैं अपने पिताजी के साथ एक घनी लंबी राइड हो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये आगे बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए बात ऐसी है कि हमने सामान कर लिया पैक। रात को ये हुक्म हुआ हमें कि बेटे सुबह जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना है। बट बेटे जी की नींद कहाँ खुलती है, तो बेटे जी की नींद खुली लेट थोड़ी, बोले तो अभी बज रहे हैं 7। अपने लिए तो ये अत्यंत तड़का है, मतलब सुबह है। तो अभी समय को समझते हुए और पिताजी की गालियों से बचते हुए, निरंतर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जो है, मैं कभी यहाँ छुप रहा हूँ, कभी वहाँ छुप रहा हूँ, यहाँ छुप रहा हूँ, वहाँ छुप रहा हूँ, तो ऐसा करते हुए अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ फटाफट सामान लेके। नीचे चाय भी नहीं पी है, पिताजी ब्रेकफास्ट कर बैठे हैं। तो राइड का आनंद लीजिएगा, पहली राइड पिताजी के साथ, मजेदार कट्टा एकदम। आंखें अभी भी नींद से भरी हुई, लबालब। चलिए नीचे मिलते हैं आपसे, ठीक है। ये खोलना तो खोल लो, इसका लूज करूँ क्या, इसको टेंशन नहीं लो, वहीं लो ना। इस पे क्या मास्क लगाना, अरे पहले शीशा ऐसे किया करो ना, फिर लगाया करो हेलमेट। पहले चश्मा निकाल लो यार, पहले हेलमेट लगाओ फिर चश्मा लगाना है। हाँ सेट है, कन्फ्यूज ही आ गए हो। ओ बस सर, बस इतनी जरूरत नहीं है, चलो अब चलो। ये भगवान, ये भगवान यार, चश्मे पे। अरे तो वो मास्क लगाया है ना, चल। अरे नहीं होगा चलते चलते भाई, ए भगवान। क्या ना, ठीक है चला। जय शंकर महाराज की। चलो जी निकलते हैं अब, थोड़ा सा आगे जाके गपशप मारेंगे, थोड़ा सफर निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सफ़र बहुत लंबा है। कभी भी सफ़र पे निकलो और अपने पितृ देवता, अपने कुल देवता, अपने पहाड़ी, अपने ग्रामीण देवता जी का मंदिर आसपास में हो तो माथा ज़रूर टेको। और संस्कारों में आता है ये चीज़ जो कि बहुत अच्छा है, जय मानवाई माता, लंबी उम्र दे मेरी बिजली की, रहमत बरसा इस बालक पे। मैं पापा को बोल रहा था, मैं क्या कह रहा, पीछे से बाल बाल मत पकड़ना, मैं कैसे बेइज्जती कराओगे। वैसे मैं सही बताऊं, मेरे पापा बहुत कूल होके बैठते हैं, मतलब बोले तो एकदम सारे डर डर के, ना बाबा ना 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 ऐसा पट्टी में नहीं बैठने का, बोला लुक इम्पोर्टेंट है बाबू, है ना, कम्फर्ट जरूरी है। और अभी मैं बता दूं, अभी मैं जा रहा हूं दीदी के पास। यस 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 दीदी, तेरे घर आ रहा हूं मैं, कब्जा करने के लिए, कब्जा करने, अपने बच्चों से मिलने आ रहा हूं मैं दीदी। पापा तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, और मैं भी अपने भांजे से मिलने जा रहा हूँ। एक्चुअली कल ऐसे ही बना प्लान, पापा बोलते कि तू बस का पता कर, कुछ घर के लफड़े थे यार तीन चार ना, सही बताऊँ उनकी वजह से मैं भी बड़ा खज्जल हो रखा था, काफ़ी वीडियोस पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है, एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा, सही बताऊँ। मतलब समझ लो कि अभी तक मैंने जो है वो स्पीति टूर की एक भी वीडियोस नहीं डाली है, ऐसा सीन है। आज वाली इस राइड पे जो मज़ा आ रहा है, माशाल्लाह क्या मज़ा आ रहा है, क्या बेहतरीन राइड हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह शुरू कर दी हुई है। जी हाँ बहुत टाइम के बाद मैं सुबह राइड कर रहा हूँ। क्या है कि ट्रैफिक कम मिलता है, पॉल्यूशन कम होता है, कुत्ते बिल्ली तो थोड़े बहुत मिलते हैं, बट ठीक है। बट गाड़ी की स्पीड देख रहे हो, 80 तक तो जाती जाती है आराम से हाईवे तो। वैसे मैं ये बताना भूल गया, हम जा रहे हैं अपनी बड़ी वाली दीदी के पास देहरादून। हाँ देहरादून जाएंगे, लंबा सफर है ना, राइड का मजा आएगा पापा के साथ। ये प्लेट बड़े टाइम से तंग कर रही थी मेरे को, पिछले स्पीति राइड से निकली हुई है ये प्लेट। अभी राइड से आए हुए मेरे को थोड़े दिन हुए, और वापस अगले सफर पे तो फिर समय ही नहीं लगा मेरे को कराने का। हो गया जी, थैंक यू जी। अभी सुबह का मौसम है, धुंध पड़ रही है, सीधा पसाना प्रेमलर बाबा के साथ घुमारवीं से थोड़ा सा आगे से आप ये सुन रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि धुंधीला सा मौसम है, नज़ारे कुछ दिख नहीं रहे हैं, ऊर्जा बहुत सुस्तैड सी हो रखी है, क्योंकि भोजन में सिर्फ चाय ही मिली है। जी हाँ चाय और थोड़ी सी डांट, जी हाँ, जो बहुत ही लाजमी हो रखी है हमारे जीवन में, मिलती रहती है माता पिता की तरफ से हमें, और अति आवश्यक हमें लगता है कि जिस प्रकार की हमारी हरकतें, हमारे लक्षण, हमारा चाल ढाल है, जी हाँ हमें डोज मिलती रहनी चाहिए। जी हाँ क्योंकि भरी जवानी में हमारा बचपन जो है वो थमने में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डोज पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ पापा, डोंट स्केयर पापा,
इजी एज फक बैठो पापा, कूल होके बैठो। और अभी मैं फील पता क्या कर रहा हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ कि पापा को ये क्या बताया कि गाड़ी राइट में जाएगी तो ऐसे मुड़ना और वैसे मुड़ना है ना। राइडर का क्या होता है कि वो बॉडी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से मूव करती है। पापा इंटेंशनली मोटा ही बेंड हो जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो घुटने लगाने वाली फील, वैसे रही वाह 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 वैसा फील। Dad, you are so funny, Dad. Come on, Dad. अब यार भूख लग गई है मेरे को तो, सही बताओ ना। और जब तक मुझे खाऊंगा नहीं मेरे को एनर्जी नहीं आएगी, मेरा ह्यूमर नहीं आया, ह्यूमर नहीं आया, आपको मजा नहीं आया, मजा नहीं आएगा तो आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप मैसेज ले रहे हो वीडियो छोड़ के चले आओगे मेरी, बता रहा हूँ मैं, आधी वीडियो छोड़ के जाना भाई जी, पूरी देखनी मेरी वीडियो। ऐसे शलाट होते हैं जो गर्दन मोड़ के हल्का सा देखते हैं कि अरे आ रहा है, अबे पेल पेल पेल। और ऐसे को हम ऐसा पहले हैं, पर कहा बताएं, हम पापा के साथ बैठे हैं, नहीं तो तुमको बेटा बताते कि पापा कैसे चलाते हैं। ऐसे नहीं चलाते हैं जैसे तुम चला रहे हो साले, गिट्टे नंगे हैं तुम्हारे ससुरे छिल जाएंगे, डुप्लीकेट में ना डलेंगे यो। वो देखो कैसा मुड़ मुड़ के देख रहा है, ससुर का नाती हमसे रेस लगाओगे का। रैमलर बाबा का हुआ पछतावा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, रैमलर बाबा को इस रास्ते पे तब से पास नहीं मिल रहा है ट्रक वाले से। यार ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ सा महसूस कर रहा है आपका ये रैमलर बाबा। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, मेरे आगे ट्रक, मेरे पीछे ट्रक, आगे से आने वाले ट्रक, पीछे से जाने वाले ट्रक, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कौरवों के बीच में द्रौपदी। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा गड़ा वाला ना इनसिक्योर वाली राइड हो रही है, सही बताऊं। एक तो पापा पीछे बैठे हैं, ठीक है, तो फिर पापा का जो बैठना है ना वो थोड़ा सा वो बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बाइक को ऐसे ऐसे वेवी बना रहा है पीछे से, समझ रहे हो। और दूसरी बात कि रोड अगर आप गौर से देखोगे ना, रोड पे ये साले वेव्स बने पड़े हैं, जिस वजह से बाइक को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। मज्जा ट्रक आ रहा है घुमा ले अंदर। सेक्सी वाली बात लिखिए इस ट्रक पे, सेक्सी वाली बात, जिथे मैटर अड़ते ने उथे यार खड़ते ने, ये अलग है। दूसरा सुनो, लोकी सड़ते ने गल्ला करते ने यार, ता बस शौक पूरा करते ने यार, खतरनाक लिखते है लोग कसम से। हाँ जी, तो ये है स्वार घाट और यहाँ से नीचे मुड़ना है। आ गया मेरे को याद यार, मैं बड़े पहले ना मेरे एक ब्रदर है, मामा के बेटे हैं, तो उनकी शादी की बारात थी जो इधर को गई थी, जो मुझे याद आ गया। मगर अब मेरा सबसे पहला जो काम है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ढाबा देखना और बढ़िया सी रोटी खाना और पिताजी को भी साथ में खिलाना। तो अच्छा यार, थोड़ी चाय सी पी ली जाए, आराम। यार थक तो बड़ा गया वैसे देखा जाए ना, क्योंकि रास्ते की वजह रास्ता खराब होना, तो चाबी बाइक के साथ ही छोड़ दिया लगता मैंने। हाँ यही लगी भाई साहब, अभी नालागढ़ में एंटर हो चुके, लगभग 10 किलोमीटर है यहाँ से, और गर्मी का अपार जो सर चढ़ के बोल रहे ना अभी, मतलब आगे ऐसा ही रहने वाला है पूरा, समझ रहे हो। जब तक मैं देहरादून एंटर ना कर जाऊँ, पोंटा साहिब वाली बेल्ट में ना घुस जाऊँ, कूल बॉय बीच में डाल दूँ। ओके चलो, कोई हो टायर पंचर वाला? टायर हो गया भाई साहब पंचर, टायर पंचर। रुक जाओ मैं पूछता हूँ। और यहाँ इतनी धूल मिट्टी, इतनी ज्यादा गाड़ी है ना, फक मैन। कोई यहाँ छोटे भाई, यहाँ कोई टायर पंचर वाला है? कितना आगे है? हाँ उसके इधर राइट हैंड पे। अच्छा थैंक यू माय ब्रदर। यार बड़ी बड़ी गंदी गर्मी है यार भाई, हिमाचल जन्नत है पर ये हिमाचल का हिस्सा नहीं। ऐसा करो ना, आप इनके साथ निकलो ना बाइक पे, मैं ले आता हूँ इसको, है अगला टायर पंचर है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी आराम से। भाजी फादर साहब नु ले जाओ तुसी ना, मैं आ गया पीछे पीछे। ऐसा जैसा होता रहता है, बिल्कुल कतई बैठ गया हुआ टायर, मैं वो ही सोचू अभी पता पीछे से ना शुक्र है ये तो अगला हुआ है, मतलब एकदम स्लिप होने वाली थी बाइक, मतलब ऐसी कंडीशन में देखिए स्किट मार जाती पूरी की पूरी। मैं क्या ये क्या हो गया भाई साहब, ऐसी तो कोई कहानी नहीं होनी चाहिए थी, तगड़ा गस्सा हो गया है। लो मुबारक हो, पंचर हो गया टायर। हाँ वहाँ बैठो आराम से, कोई नहीं मैं करा लेता हूँ। पाजी ट्यूबलेस है ये भी, एक अलग क्यूरियोसिटी हो जाती है मेरे को जानने में कि क्या घुसा होगा, कितना बड़ा घुसा होगा। देख लो जी पंचर कितने हैगा, तो ना यहाँ पंजाबी एरिया में आते हैं ना पंजाबी निकलने लग पड़ती है मेरी। और पापा वो देखो सामने बैठ के पता क्या करेंगे, मम्मी को फोन करेंगे फिर बताएंगे इसने ऐसे चलाई, इसने वैसे चलाई, इसने किया, सुबह से कुछ नहीं खाया सिर्फ चाय पी, फिर वो पता है ना दुख सुनाएंगे सारे अपने कि मैं तो थक गया हूं ऐसे वैसे। फिर मम्मी उधर से बोलेगी मैं तो पहले गिराया था ये बस जावा डोल तुम्हारी थी लखरी लुक लुक। माँ तो माँ है ना फिर। हवा तो निकल रही है पर कहाँ से निकल रही है ये नहीं पता चल पा रहा है। पर ये अपने हिसाब से थोड़ा चेकअप मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो पानी ला के देखो मड़े जरा कितने है। अरे ऐसे ऐसे देख रहे थे ना मेरी फट गए, मैं लगा पता ये बोल दिया कि अलॉय टूट गया भाई, अलॉय खराब है। जिसका डर था वही हुआ, घना बड़ा लग गया। पाजी सटे जरा पानी, ये देखो जरा ये रिम क्रैक होया कि क्या होया, ये क्रैक हो गया रिम।
अरे ये हुआ घसाना, तभी बोलते हैं कि ऑफ रोडिंग करनी ना तो अलॉय लोहे मत डलवाओ। सबक मिल गया, अब देखता हूँ क्या करना है, यही डलवाना कि रिम क्या डलवाना। ये तो बड़ा घस्सा हो गया, टायर पंचर नहीं हुआ, रिम निकल गया वो पूरा। उसका गूगल कैसे हो सकता है यार रिम में।